जेईई मेन परीक्षा और नीट के परीक्षा केंद्र तक आने जाने की निशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ 423 विद्यार्थी उठाएंगे। आज बड़वानी जिला मुख्यालय से 4 वाहनों के माध्यम से 22 विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए रवाना किया। बड़वानी में आज जिला मुख्यालय के रणजीत क्लब के 4 वाहनों में करीब 22 छात्र परीक्षाओं के लिए रवाना हुए। जिला शिक्षा अधिकारी अर्जुन सिंह सोलंकी ने बताया कि शासन की इस योजना के तहत जिले के 423 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन करवाया है। इन समस्त विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। पंजीयन करवाए हुए समस्त विद्यार्थियों से संपर्क कर उन्हें निर्धारित तिथि पर इंदौर परीक्षा केंद्र तक आने जाने की निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही वाहन के साथ एक नोडल अधिकारी भी रहेगा, जिससे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। किस तरीके से ये बच्चे जेईई और नीट की परीक्षा के लिए इंदौर भेजे जा रहे हैं, वैसे कुछ बच्चे भोपाल के भी हैं और जब उज्जैन के भी हैं, लेकिन अभी वर्तमान में दिनांक 1 से 6 के बीच जेईई की परीक्षा चल रही है। इसमें शासन के निर्देशानुसार निःशुल्क वाहन सेवा प्रदाय की जाए, इसी के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं परिवहन विभाग RTO कार्यालय से बस वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पेरेंट्स और बच्चे, अगर पेरेंट्स साथ में जाना चाहते हैं वो भी जा रहे हैं, तो हम उनको फ़ोन के माध्यम से, और पहले सबसे पहले इनको पंजीयन कराना पड़ता है। पंजीयन के आधार पे जितने बच्चे डेट वाइज सूची निकाली जाती है और सूची के अनुसार उनको फ़ोन से संपर्क करके सूचना दी जाती है। और परीक्षाएँ 2 शिफ्ट में चल रही है, प्रातः 9 से 12 और दोपहर में 3 से 6। लेकिन क्या होता है कि परीक्षा के लिए बच्चों को 2 घंटे पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, इसलिए बच्चों को समय के पूर्व 2 घंटे या 1.5 घंटे के पूर्व परीक्षा केंद्र पर भेजा जा रहा है। सर आज कितने बच्चे जा रहे हैं और कितने? आज 22 बच्चे जाएंगे बड़वानी जिले से, और अभी हम बस रवाना की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।